بسم الله الرحمن الرحيم अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आए, उन्होंने कहा हजरत जी क्या करें, दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी पर अंग्रेज हमला करने लगा है। फरमाया क्या हुआ, परेशान क्यों हो? वो कहने लगा जरी बड़ी परेशानी है, दारुल उलूम देवबंद नायाब किताबें हैं, कोई छापे खाने नहीं हुआ करते थे, कोई फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, कोई लिखने वाले नहीं हुआ करते थे, कोई आम स्याही नहीं हुआ करती थी, कोई कलम नहीं हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। फरमाया क्या हुआ? फरमाया हजरत जी परेशान, ऐसी नायाब किताबें हैं जो मक्के मदीने से आई हैं, इस्तांबुल मिस्र से आई हैं, हजरत अगर उन्होंने पानी की नजर कर दी दरिया दजला के अंदर या दरिया के अंदर डाल दी तो अल्लाह वाले हम तो रह जाएंगे। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे उलमा इकराम को बुला लिया, फरमाया परेशान क्यों होते हो, अनवर शाह कश्मीरी का हाफजा भी जिंदा है, अल्लाह वाले क्या बात है? फरमाया बताओ दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं? अल्लाह वाले 15,000 किताबें हैं। फरमाया अंग्रेज को रात के अंधेरे में नहीं दिल के उजाले में उठा के ले जा, उन किताबों को आग लगा दे, उन किताबों को दरिया में जला दे, उन किताबों पे पानी डालकर अल्लाह गनी उनकी स्याही उनके लफ्जों को फीका कर दे। अनवर शाह को अल्लाह ने इतनी ताकत दी, इसका राबता मदीने वाले से है। रब अकबर की कसम है, कागज कलम वाले मंगवा लो, लिखने वाले मंगवा लो, 15,000 किताबें अनवर शाह कश्मीरी एक निश्चित में सारी बैठ के लिखवा देगा। एक किताब का मुताला कर लेते हैं, फरमाया मौत तक वो मुझे कभी किताब नहीं भूलती थी। ये कौन अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें हर 8 दिन के बाद रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज्यारत हुआ करती, जिनको ख्वाब में ज्यारत ना हुआ करती, इनको पेचिस लग जाया करते, लोग कहते अल्लाह अकबर लगा है, इसे दुबई नहीं चाहिए, उसे हुजूर की ज्यारत चाहिए। ये कौन अनवर शाह कश्मीरी किताबों का मुताला किया करते थे, कभी खूंटी पर किताबों के ऊपर अपने कपड़ों को नीटा। फरमाया इन किताबों के अंदर आमना के लाल का नाम है, मैं कपड़े टांगू रब अकबर की कसम इन किताबों की तोहीन हो जाएगी। सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर मेरे अजीजों टिकट लेने के लिए खिड़की में आए और टिकट लिया, टिकट देने वाला हिंदू था बनिया था। अल्लाह अकबर अनवर शाह कश्मीरी को देखने लग गया, आप टिकट लेकर जब वापस हुए वो दाखिली दरवाजे से बाहर निकला, अनवर शाह कश्मीरी का हाथ पकड़ कर चूमने लग गया, कहने लगा जिसका गुलाम इतना सोना हो उसका आका कितना सोना होगा। ऐसा हुस्न व जमाल था कश्मीरी के चेहरे पर, सैयद थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान में से थे, बेटे थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उन्होंने कहा गुलाम इतना आला अल्लाह। अमीर शरीयत अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कोई आम आदमी अल्लाह अकबर जिसने सारी जिंदगी अल्लाह अकबर कादियानियत के फितने के लिए सारी जिंदगी काम काम किया और आखिरी वक्त जनाजा उस किराए के मकान में से निकला, रब अकबर की कसम जिसका किराया देने के लिए अताउल्लाह शाह साहब के पास पैसे नहीं थे। किसी ने पूछा अताउल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप भूख लगती है क्या करते हो? पर मैं मदरसे के तालिब इल्मों के दरमियान बैठ जाता हूँ और उन तालिब इल्मों से हंसी मजाक कर कर अपनी भूख और प्यास मिटा लेता हूँ। अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर आप उतरे अल्लाह अकबर, एक जमादार मेरे अजीजो अमृत स्टेशन के ऊपर झाड़ू दे रहा था, अल्लाह अकबर जात का सिकता स्टेशन के ऊपर झाड़ू दे रहा था, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे अल्लाह अकबर आपका चेहरा देखा। इतने में मेरे अजीजो एक पकौड़े वाला रोटी बेच रहा था, पकौड़े नान बेच रहा था, आपने पकौड़े उस नान उससे ले लिए अल्लाह अकबर। वो जमादार देख के कहने लगा अल्लाह अकबर डाडी भूख लगी है, फरमाया खाएगा अल्लाह अकबर। अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ा, पकोड़ा डाल के उसमें मुंह में दिया और आधा टुकड़ा तुड़वा कर फरमाया आधा लुकमा तू खा, आधा सैयदों का बेटा खाएगा। अल्लाह अकबर कहां झाड़ू देने वाला, कहा सैयदों का बेटा। और मेरा जीजो अखलाक बड़ी चीज हुआ करती है, जब उसका झूठा लुकमा खाया वही झाड़ू फेंक दिया और मेरा जीजो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दामन पकड़ के रोने लगा, फरमाया तेरे एक अखलाक ने इतना मुतासिर कर दिया, गुरु नानक का कंगन उतारना मेरा काम, हुसैन के नाना का कलमा पढ़ा देना तेरा काम है।
कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। इनके जब जनाजे उठे ये कहते जा रहे थे, कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूं, सदियों हमें गुलशन की फिदा याद करेगी। कहाता शाह काल वर्षा मेरे अजीजो, आज 85 साल हो गए रब अकबर की कसम है, जब उनका नाम जुबानों पर आता है हमारे ईमान की हरारत बढ़ जाया करती है। कपड़े उतार दिए गए, जेल के अंदर चक्की रख दी गई। मेरे अजीजों, इतने गंदम के दाने, जौ के दाने दे दिए गए। अताउल्लाह शाह बुखारी अल्लाह अकबर कुरान की तिलावत शुरू कर रहे, फरमाया अल्लाह जो मेरे इख्तियार में मैंने कर दिया तेरे इख्तियार में तू कर दे। सुपरिटेंडेंट जेल में अजीजों देखकर हैरान हो गया, कह लगा अताउल्लाह बता तू क्या काम करता है, तू खुदा का कुरान पढ़ता है, आसमान से नूर की लार तेरी चक्की पे चलती है, तिलावत तू करता है, चक्की खुद ब खुद चलने लग जाया करती है।